ऑल राइट दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज जो है आपका डे नंबर हो रहा है फर्स्ट, यानी कि आज से आपका राउंड नंबर 3 का डे नंबर है फर्स्ट। तो मैंने सोचा कि आपके पास सिर्फ 3 ही दिन दिए हैं ACPC ने, 10 से लेके 12 तक 3 दिन मिलते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस के। तो मैंने सोचा कि हर दिन का एक टास्क आपको दे दूँ, 1, 2 और 3। आज हो रही है 10, तो आज हम पहले दिन की बात करेंगे। कल हो रही है 11, तो हम दूसरे दिन की, और परसों हो रही है मतलब 2 दिन बाद हो रही है 13, तीसरा दिन है तो हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो मेरे पास आज आपके लिए एक टास्क है कि आज के दिन आप भले ही चॉइस फिलिंग ना करो, बट एट लीस्ट आज का फर्स्ट टारगेट यही रहेगा कि आपको जो भी कॉलेज में जाना है उसकी यहाँ पे आप ये जो लिस्ट है, एक यादी है, वो तैयार कर लेना। यानी कि आपको कौन कौन सी चॉइस फिलिंग में कॉलेज ऐड करनी है वो ज़रूर से आप कर लेना, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। लेट सपोज दैट यू वॉन्ट टू फर्स्ट गो विद द LD, VGEC, GEC गांधीनगर, GEC मोड़ासा, GEC राजकोट, DDU, MSU, तो इस तरह की आपकी एक रफ यादी तैयार यहाँ पे आपको आज के दिन क्रिएट कर लेनी है। तो इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे काफ़ी इजी होगा। अब यहाँ पे इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी सवाल पूछोगे कि सर क्या आज के दिन यहाँ पे हम चॉइस फिलिंग अपलोड कर दें और लॉक कर दें? इसका आंसर मैं क्लियरली मना करना चाहता हूँ, क्योंकि आज सिर्फ आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग की लिस्ट तैयार करो। अब ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि आपने आज पहले दिन है तो आपने आज चॉइस फिलिंग कर दिया तो आपको पहला एडमिशन मिल जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको यहाँ पे सिर्फ आपका जो चॉइस फिलिंग की मोक यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक लिस्ट तैयार करनी है, आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही करना है। ये आपका होने वाला है फर्स्ट टास्क। दूसरा टास्क, उसके बाद जैसे ही आपकी यहाँ पे लिस्ट तैयार हो जाती है तो आप यहाँ पे उसके बारे में दूसरी बार रिसर्च कीजिए। दूसरी बार मतलब क्या, यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप, मुझे पता है कि आपकी 2 राउंड हो चुके हैं, बट फिर भी कॉलेज के बारे में A to Z जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पे फिर से निकालिए। यानी कि इसका प्लेसमेंट किस तरह का है, इसमें फैकल्टी किस तरह की है, फैसिलिटीज़ कितनी है, फिर प्रोजेक्ट, इसके अलावा इंटर्नशिप, फिर कंपनीज कौन कौन सी आती है, ये सब कुछ आप कंपनी कॉलेज के बारे में फिर से दूसरी बार रिसर्च कर दीजिए। तो ये आपके 2 मेन टास्क होने वाले आज के लिए। इसके अलावा तो मेरे पास कोई टास्क सूझ नहीं रहा है। तो ये था मतलब 10 अक्टूबर का, यानी कि आज के दिन का आपके लिए टास्क। बहुत ही टास्क इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फिर से कि ये आपके पूरी लाइफ का सवाल है। मुझे आपके मतलब आप ही के साइड से काफ़ी सारे इस तरह के कमेंट आए कि सर मुझे राउंड नंबर 2 में मैंने जो चॉइस फिलिंग किया था उसमें मुझे जो कॉलेज में नहीं जाना था उसी कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला, तो अब मैं क्या करूँ? तो मैंने उसको पहले ही बोला था कि भाई, मैंने कितनी बार आपको बताया था कि जो भी कॉलेज में आपको 110% जाने की इच्छा हो, ओनली गो एंटर दैट कॉलेज इन द राउंड नंबर 3, अदरवाइज डोंट एंटर दैट कॉलेज। क्योंकि अगर आपको इन केस राउंड 2 के अंदर जो कॉलेज में नहीं जाना था वही मिलती है तो आपको काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सेम मैं आपको यहाँ पे इसी तरह से वॉर्न करना चाहता हूँ राउंड नंबर 3 के अंदर भी। राउंड नंबर 3 के अंदर भी उतनी ही कॉलेज डालना कि जिसके अंदर आपको 100% जाने की इच्छा हो। अगर मान लीजिए कि राउंड नंबर 2 में आप यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल 5 कॉलेज डाल रहे हो, ठीक है, कॉलेज नंबर ABCD इस तरह से सारी की सारी कॉलेज डाल रहे हो, तो आप एक बार सोच लेना कि चलिए मुझे ए में मिल जाएगा, मैं राजी खुशी चला जाऊँगा। उसी तरह से बी में मिलेगा तो बी तो मुझे पहले से ही चाहिए थी, उसी तरह से मुझे सी में मिलेगा तो मैं उसमें भी चला जाऊँगा। तो इसी तरह से आप 5 कॉलेज डालो तो 5, 10 कॉलेज डालो तो 10, जितनी भी कॉलेज डालो मेक श्योर दैट यू आर रेडी टू गो विद दैट कॉलेज। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू हैव डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।